Hello, my dear students. I am Namita Pant and I'm with you again to discuss one of the chapters that has been included in your syllabus of English and Communication Skills second semester. The chapter is named The Prospect of Flowers and it is written by Ruskin Bond. As you all know, Ruskin Bond still lives in Missouri. Abhi bhi wo Missouri mein hi rehte hain, and he's a very famous Anglo-Indian writer. Because he basically belonged to England. Now he has settled after the independence of India. He settled, he didn't go back to England. He settled here in India. So these people who settled here, they didn't go back to England, whereas they were English people. They are known as Anglo-Indians. So Ruskin Bond is a very famous Anglo-Indian writer who writes mostly about the Himalayan hills, the places, and mostly the place that he belongs to, that is Mussoorie. So most of his stories are based on that place only. So here we are with the chapter, a very beautiful short story, The Prospect of Flowers by Ruskin Bond. Let's move forward. This is the picture of Ruskin Bond. आप लोग हो सकता है कुछ बच्चे इन्हें देखे भी हों. ये अभी भी जीवित हैं, रस्किन बॉन्ड. मसूरी में ही रहते हैं. ठीक. सो लेट्स सी, दिस इज द चैप्टर नाउ, द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स. The lesson begins like this. Fern Hill, the Oaks, Hunter's Lodge, the Parsonage, the Pines, Dumberney, Mackinnon's Hall, and Windermere. These are the names of some of the old houses that still stand on the outskirts of one of the smaller Indian hill stations. Now, he has not mentioned the hill station here. Though, as I already told you, that because most of his stories are based in India, and because he lives in Mussoorie, so most of his stories belong to Mussoorie. तो ये जो नाम यहाँ पे इन्होंने लिए हैं, एक देखो नाम यहाँ पे आ रहा है फर्न हिल, ठीक है. एक द ओक्स आ रहा है, और आप नोटिस करिएगा कि कैपिटल में लिखे हुए हंटर्स लॉज, द पार्सनेज, द पाइन्स, डम्बर्नी, ये सारे किसके नाम हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ओल्ड हाउसेस. ये कुछ ओल्ड मैंशंस हैं, पुराने बंगले हैं, जो कि अभी भी एक छोटे से इंडियन हिल स्टेशन के आउटस्कर्ट्स में, मतलब बाहर प्रॉपर टाउन में नहीं है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स. आउटस्कर्ट्स होता है विच इज आउटसाइड द सिटी, ठीक है. तो ये उस हिल स्टेशन के आउटस्कर्ट्स में इतने सारे बंगलोज अभी भी हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव फॉलन इनटू डीके एंड रूइन बिकॉज दे आर नॉट इनहैबिटेड नाउ. दे हैव बीन डेजर्टेड बाय पीपल. पीपल नो लॉन्गर लिव इन दोज बंगलोज. सो दे आर अ सॉर्ट ऑफ इन अ डीकेइंग कंडीशन. वो खराब हो रहे हैं, रूइन में हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, टूटे फूटे से हैं. दे आर वेरी ओल्ड, ऑफ कोर्स, बिल्ट ओवर 100 ईयर्स अगो बाय ब्रिटिशर्स हु सॉट रिलीफ फ्रॉम द सियरिंग हीट ऑफ द प्लेन्स. ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस दैट वी फाइंड टुडे हैव बीन डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश पीपल बिकॉज ब्रिटेन इज अ कोल्ड कंट्री. वहां के लोगों को गर्मी की आदत नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्ड टू लिव इन द हिल स्टेशंस. आपको पता भी होगा कि जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो दे हैड टू कैपिटल्स. इंडिया की दो कैपिटल्स होती थी, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल. समर्स में वो लोग शिमला आ जाया करते थे. शिमला वॉज देयर समर कैपिटल एंड दिल्ली वॉज देयर विंटर कैपिटल. विंटर्स में ही रहते थे सिर्फ दिल्ली में बिकॉज दे कुडंट बियर द हीट ऑफ द समर्स इन दिल्ली, ठीक है. सो इन ब्रिटिशर्स ने ही हिल स्टेशंस में बहुत सारे बंगलोज बनाए. टुडेज विजिटर्स टू द हिल स्टेशंस प्रेफर टू लिव नियर द मार्केट्स एंड सिनेमास एंड मेनी ऑफ द ओल्ड हाउसेज सेट अमिडस्ट ओक एंड मेपल एंड देवदार आर इनहैबिटेड बाय वाइल्ड कैट्स, बैंडीकूट्स, आउल्स, गोट्स एंड द ओकेजनल चारकोल बर्नर और म्यूल ड्राइवर. आजकल के जो विजिटर्स जितने भी, नाउ व्हाट डज ही मीन बाय विजिटर्स हियर, जो भी वहां पे टूरिस्ट जाते हैं हिल स्टेशंस पे, वो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? दे लाइक टू लिव नियर द मार्केट्स एंड द सिनेमास, ठीक है. तो ये जो पुराने पुराने मैंशंस हैं, जो पुराने घर यहाँ पर हैं, हु आर सिचुएटेड, सेट हियर मीन्स सिचुएटेड, अमिडस्ट मीन्स इन बिटवीन, कहाँ कहाँ हैं, किन के बीच में हैं. ओक के पेड़ हैं. ओक का पेड़ होता है बांज का पेड़, आपने सुना होगा. ओक का पेड़, बांज का पेड़ को बोलते हैं ओक, ठीक है. मेपल, चौड़े चौड़े पत्ते वाले ट्रीज, लीव्स होते हैं इसमें बहुत, इस ट्री में, एट इट इज कॉल्ड मेपल, ठीक है. सो ओक के पेड़ों के बीच में, या मेपल के पेड़ों के बीच में, या देवदार, देवदार तो आपको पता ही है, उन पेड़ों के बीच में ये जो मकान बसे हुए थे, ये जो मकान थे जो यहाँ पर ऊपर इन्होंने बताए थे, ये इतने सारे बंगलोज, वो बंगलोज आजकल किन कौन रहते हैं वहां पे, इनहेबिटेड माने रहते हैं, कौन रहते हैं? वाइल्ड कैट्स, बैंडीकूट्स, आउल्स, गोट्स,
बकरियां हो गई, उल्लू हो गए, ठीक है, जंगली बिल्लियां हो गई, बैंडिकूट्स हो गए, जंगली जानवर ही होते हैं ये सारे, तो ये सारे वहां पर रहते हैं। या फिर कभी कोई वहां पे चाकोल बर्नर आ गया आग जलाने के लिए, कोई बैठ बैठ गया थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, या म्यूल ड्राइवर, म्यूल माने खच्चर चलाने वाले, म्यूल माने होता है खच्चर, ठीक है, खच्चर वाले कोई आ गए अगर थोड़ी देर के लिए वहां पे रेस्ट करने के लिए, तो वो रुकते हैं बस। अदरवाइज दीज ऑल दीज बंगलोज आर इन अ कंडीशन ऑफ डीके एंड रूइन एंड दे आर डेजर्टेड, वहां पे कोई वैसे कोई रहता नहीं है, ठीक है। बट अमंग्स दीज नेग्लेक्टेड मैंशन स्टैंड अ नीट व्हाइट वॉश्ड कॉटेज कॉल्ड मलबरी लॉज। लेकिन इन्हीं नेग्लेक्टेड मैंशन, मैंशन मीन्स बंगलोज, ठीक है, इन्हीं नेग्लेक्टेड मैंशन के बीच में एक अच्छा सा साफ सा नीट है क्लीन एंड व्हाइट वॉश, उसमें बिल्कुल पेंटेड है वो, देर इज अ कॉटेज कॉल्ड मलबरी लॉज। नाउ द नेम ऑफ द बिल्डिंग दैट इज मेंशन्ड हियर इज मलबरी लॉज, ठीक, एंड इन इट अप टू अ शॉर्ट टाइम अगो लिव्ड एन एल्डरली स्पिंस्टर नेम्ड मिस मैकेंजी। नाउ अ शॉर्ट टाइम अगो मीन्स ये स्टोरी जो है पास्ट में जाके सुनाई जाएगी, क्योंकि जब राइटर ये कहानी लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं अभी तक रहती थी वहां पे, कौन रहती थी, लिव्ड एन एल्डरली इंग्लिश स्पिंस्टर। नाउ दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, स्पिंस्टर मीन्स एन ओल्ड लेडी हु इज नॉट मैरिड, अनमैरिड ओल्ड लेडी इज नोन एज स्पिंस्टर, ठीक है। तो एक इंग्लिश स्पिंस्टर रहती थी यहाँ पे जिनका नाम था मिस मैकेंजी, वो किस मकान में रहती थी, उनके घर का नाम क्या लिखा है यहाँ पे, मलबरी लॉज, ओके। इन ईयर्स मिस मैकेंजी वॉज मोर देन एल्डरली, बींग वेल ओवर 80। नाउ उम्र में अगर देखा जाए तो एल्डरली से भी ज्यादा थी, बिकॉज शी वॉज मोर देन बींग वेल ओवर 80, मतलब ऐसा भी नहीं कि 81 82 होंगी, मोर देन अच्छी खासी 80 से ऊपर थी। बट नो वन वुड हैव गेस्ड इट, लेकिन वो दिखती नहीं थी बिल्कुल भी कि इतनी एज उनकी होगी। शी वॉज क्लीन स्प्राइटली एंड वोर ओल्ड फैशन बट वेल प्रिजर्व ड्रेसेस। शी यूज टू बी वेरी क्लीन, शी वॉज नीट एंड क्लीन लेडी, शी वॉज स्प्राइटली, स्प्राइटली मीन्स चेयरफुल बाई नेचर, शी वॉज अ वेरी चेयरफुल लेडी, एंड दो शी वोर ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड फैशन क्लोथ्स, बट दीज दोज ड्रेसेस वर वेल प्रिजर्व, दे वर वेरी वेल नीटली प्रेस्ड एंड ऑल दैट एंड वेरी क्लीन, ठीक है, अच्छे थे तो उनके ओल्ड फैशन ड्रेस, लेकिन वो सारे के सारे बहुत अच्छी कंडीशन में थे, ठीक। वंस अ वीक शी वॉक द 2 miles टू टाउन टू बाय बटर एंड जैम एंड सोप एंड समटाइम्स अ स्मॉल बॉटल ऑफ ईयूडी कोलोन। नाउ कभी कभी वो वहां से टाउन जो था वो कितना दूर था, ऑलमोस्ट 2 miles, ठीक है, माइल्स इज बिट लॉन्गर देन किलोमीटर्स, ठीक, वो जाती थी, शी यूज टू वॉक देयर, सी शी वॉज एन ओल्ड लेडी बट शी यूज टू वॉक वाइल गोइंग टू द मार्केट। वॉट डिड शी गो टू द मार्केट फॉर, टू बाय बटर, अपने लिए कभी बटर खरीदने या कभी जैम खरीदने या कभी सोप खरीदने, ये सब क्यों बता रहे हैं राइटर्स, कुछ भी टिडबिट्स, छोटा मोटा सामान लेने के लिए वो कभी कभी बीच में मार्केट चले जाया करती थी। एंड समटाइम्स अ स्मॉल बॉटल ऑफ यूडी कोलोन, यूडी कोलोन इज अ परफ्यूम, ठीक है, तो कभी कभी परफ्यूम लेने के लिए भी वो मार्केट जाती थी, ठीक। शी हैड लिव्ड इन द हिल स्टेशन सिंस शी हैड बीन अ गर्ल इन हर टीन्स एंड दैट हैड बीन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ सी हाउ ओल्ड शी वॉज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगैन इन 1914, 1914 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो सोचो कि उससे पुरानी, एंड एट दैट टाइम शी वॉज इन हर टीन्स, वो अपने टीन्स में थी, मतलब 13 14 15, इनको टीन एज बोलते हैं। सो शी हैड बीन लिविंग इन दैट हिल स्टेशन, द नेम ऑफ द हिल स्टेशन हैज स्टिल नॉट बीन मेंशन इन द चैप्टर, शी हैड बीन लिविंग इन दैट हिल स्टेशन व्हेन शी वॉज इन हर, शी वॉज अ गर्ल एंड शी वॉज इन हर टीन्स एंड दैट हैड बीन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पुरानी बात है, ठीक है। दो शी हैड नेवर मैरिड, नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर शी वॉज अ स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मीन्स एन ओल्ड लेडी हु इज नॉट मैरिड, सो दो शी हैड नेवर मैरिड शी हैड एक्सपीरियंस्ड अ फ्यू लव अफेयर्स, शी हैड अ फ्यू लव अफेयर्स बट इट कुडंट बी कन्वर्टेड टू मैरिज, वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाए, एंड वॉज फार फ्रॉम बींग द टिपिकल फ्रस्ट्रेटेड स्पिंस्टर ऑफ फिक्शन। और जैसे स्टोरीज में, फिक्शन मीन्स स्टोरीज, जैसे स्टोरीज में हम स्पिंस्टर्स को देखते हैं कि वो टिपिकल सी फ्रस्ट्रेटेड लेडीज होती हैं, वैसी वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं थी, शी वॉज अ वेरी चेयरफुल, लिखा है पीछे कि शी वॉज अ वेरी स्प्राइटली लेडी, ठीक है। हर पेरेंट्स हैड बीन डेड 30 इयर्स, 30 इयर्स हो गए थे उनके पेरेंट्स की डेथ को, हर ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑल्सो डेड, भाई और बहन की भी डेथ हो चुकी थी, शी हैड नो रिलेटिव इन इंडिया, इंडिया में कोई रिलेटिव नहीं थे, एंड शी लिव्ड ऑन अ स्मॉल पेंशन ऑफ 40 रुपीज अ मंथ, शी रिसीव ओनली 40 रुपीज पर मंथ एज पेंशन। सी नाउ दिस 40 रुपी, डोंट डोंट थिंक 40 रुपी इन कंटेक्स्ट ऑफ टूडे, आज के कंटेक्स्ट में मत देखो 40 रुपीज को, दिस स्टोरी वॉज रिटन वे बैक,
बहुत पहले की स्टोरी लिखी हुई है ये। सो ये 40 रुपीज उस समय ठीक ठाक, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी आज 40 रुपीज होता है। आज तो 40 रुपीज में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सो शी हैड अ फैमिली पेंशन ऑफ 40 रुपीज अ मंथ एंड द गिफ्ट पार्सल। किस पे उनका लाइफ चलती थी? एक तो पेंशन मिलती थी 40 रुपीज, एंड दूसरा गिफ्ट पार्सल्स दैट वर सेंट आउट टू हर फ्रॉम न्यूजीलैंड बाय अ फ्रेंड ऑफ अ यूथ। अब जब वो यंग थी उस समय उनका कोई फ्रेंड थे, वो लेडी थी या वो जेंट्स थे, मेल थे, वो भी हमें नहीं पता, बट शी हैड अ फ्रेंड इन न्यूजीलैंड हु यूज टू सेंड हर गिफ्ट पार्सल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। लाइक अदर लोनली पीपल, लोनली ओल्ड पीपल, शी केप्ट अ पेट। जैसे बाकी सारे ओल्ड लोनली पीपल जो है पेट रखते हैं अपने पास, उनके पास भी एक पेट था। क्या था? अ लार्ज ब्लैक कैट विद ब्राइट येलो आईज। दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड समटाइम्स कि उनके वो उनके पास क्या पेट था। तो उनके पास एक लार्ज ब्लैक कैट था विद ब्राइट येलो आईज। इन हर स्मॉल गार्डन शी ग्रू डहलियाज, क्राइसैंथेमम्स, ग्लैडियोलाई एंड अ फ्यू रेयर ऑर्किड्स। नाउ शी हैड अ गार्डन ऑल्सो, शी मेंटेन्ड अ गार्डन एंड देयर शी यूज टू ग्रो डहलियाज, क्राइसैंथेमम्स, ग्लैडियोलाई एंड अ फ्यू रेयर ऑर्किड्स। ये सारे फ्लावर्स के नाम हैं, सारे डालियाज भी, क्राइसैंथेमम, ग्लैडियोलाई, ऑर्किड्स, ये सब फ्लावर्स होते हैं। तो वो अपने गार्डन को मेंटेन करती थी एंड शी यूज टू ग्रो दीज फ्लावर्स देयर। शी न्यू अ ग्रेट डील अबाउट प्लांट्स एंड अबाउट वाइल्ड फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। नाउ शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज। शी हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट प्लांट्स, अबाउट वाइल्ड फ्लावर्स, अबाउट वेरियस ट्रीज एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। शी वॉज इंटरेस्टेड इन देम, सो शी न्यू द नेम्स ऑफ मेनी ऑफ देम। She had never made a serious study of these things, but having lived with them so far for so many years, had developed an intimacy with all that grew and flourished around her. Now she had never studied about these things, though she had a great knowledge about plants and wildflowers and trees and birds and insects and all that, but she had never studied about them. क्योंकि वो उतने टाइम से उनके साथ रह रही थी, शी वॉज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दीज थिंग्स, सो शी हैड गेन्ड सम नॉलेज अबाउट देम, ठीक है। जो भी उनके आसपास उगता था या जो भी चिड़िया या इंसेक्ट्स उनके आसपास थे, उनकी नॉलेज उन्हें वैसे ही हो चुकी थी इतने सालों से उनके साथ रहते रहते, ठीक है। शी हैड फ्यू विजिटर्स। नाउ हु यूज टू विजिट हर, कौन कौन आते थे उनके पास? ओकेजनली द पैडरी फ्रॉम द लोकल चर्च कॉल्ड ऑन हर। जो वहां का प्रीस्ट था लोकल चर्च का, वो कभी कभी आ जाए, बिकॉज ऑफकोर्स शी वॉज अ क्रिश्चियन, बिकॉज शी वॉज एन इंग्लिश वुमन। तो लोकल चर्च से कभी कभी प्रीस्ट जो थे वो आ जाते थे। एंड वंस अ मंथ द पोस्टमैन केम विद अ लेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड और हर पेंशन पेपर्स। महीने में एक बार करीब पोस्टमैन आ जाता था, कभी न्यूजीलैंड से कोई गिफ्ट आता, जो गिफ्ट पार्सल लिखा है पहले वो आते थे, या फिर उनके पेंशन के पेपर्स आते थे, ठीक है। द मिल्क मैन कॉल्ड एवरी सेकेंड डे, एवरी ऑल्टरनेट डे द मिल्क मैन यूज टू कम विद अ लीटर ऑफ मिल्क फॉर द लेडी एंड हर कैट, बिकॉज कैट ऑल्सो ड्रिंक मिल्क। तो मिल्कमैन जो है वो 1 लीटर दूध एवरी ऑल्टरनेट डे लेकर आता था, एवरी सेकेंड डे। एंड समटाइम्स शी रिसीव्ड अ कपल ऑफ एग्स फ्री फॉर द एग सेलर। रिमेम्बर्ड, नाउ दिस सेंटेंस इज नॉट कम्प्लीट, वील मूव फॉरवर्ड। इससे पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभी कुछ एग्स उनको एग सेलर जो है वो फ्री में दे जाया करता था, कपल ऑफ एग्स, टू, वन और टू एग्स कभी कभी वो उन्हें दे जाता था। बिकॉज फॉर द एग सेलर रिमेम्बर्ड अ टाइम When Miss Mackenzie, in her earlier prosperity, had bought eggs from him in large quantities, because the egg seller still remembered the time when Miss Mackenzie had money, when she was prospering, and she used to buy eggs in large quantities. खूब ज़्यादा eggs उससे खरीदती थी, ऐसा time उसे याद था। तो he used to give her a couple of eggs often, कभी कभी दे दिया करता था। He was a sentimental man, of course he was sentimental, वरना कौन businessman free में किसी को eggs अपने या कोई भी सामान ऐसा free में देगा, ठीक है। He remembered her as a ravishing beauty in her 20s when he had gazed at her in round-eyed 9-year-old wonder and consternation. Now he says he was at that time only 9 years old, और उस समय वो किस में थी? 20s में थी अपनी, जब वो बच्चा था। And he still remembered that she was very beautiful. Ravishing beauty means she was very beautiful when she was in her 20s, and still she remembered when he was 9 years old, he used to wonder looking at her. ठीक है, बहुत गौर से उन्हें देखा करता था एट हर ब्यूटी। तो तब से वो उन्हें जानता था एक्सेल। नाउ इट वाज सितंबर एंड द रेन्स वर नियरली ओवर। सितंबर हो चुका था, बारिश खत्म हो चुकी थी, एंड मिस मैकेंजीज क्राइसैंथेमम्स वर कमिंग इनटू देयर ओन, और अब क्राइसैंथेमम्स खिलने लगे थे। शी होप द कमिंग विंटर वुडंट बी टू सिवियर, बिकॉज शी फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू बियर द कोल्ड। एज यू ऑल नो दैट ओल्ड पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बियर द विंटर सीजन। तो ये भी ऐसे होप कर रही थी कि काश इस बार बहुत ज्यादा सर्दी ना पड़े, सो दैट शी कुड बियर इट इजीली, ठीक है।
One day, as she was pottering about in her garden, she was doing some kind of tilling and all that in her garden, she saw a schoolboy plucking wild flowers on the slope about the cottage. Now, there was a slope near her cottage. वहाँ उस ढलान पे, slope means ढलान, उस ढलान पे she saw a schoolboy who was plucking some wild flowers. कुछ जंगली फूल वहाँ पे वो तोड़ रहा था. Who's that? She called. Where are, what are you up to, young man? कौन है वहाँ पे? She asked that. And what are you doing here? उसने पूछा. The boy was alarmed. Now he was astonished. He was surprised at the voice. वो एकदम से चौंका and tried to dash up the hillside. और भागने की कोशिश करी उसने hillside पे. But he slipped on pine needles. अब आपने देखा होगा जो भी पहाड़ में रहते हैं उन्हें पता होगा चीड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं pines जैसी होती हैं वो फिसलती हैं बहुत ज्यादा. So he slipped on the pine needles and came slithering down the slope onto Miss Mackenzie's garden. आगे होगा इसमें. तो वो pine needles से फिसल करके फिसलता हुआ मिस मैकेंजी के नेस्टर्टियम बेड पर आ गया. नेस्टर्टियम इज अगेन अ नेम ऑफ फ्लावर. ठीक है, एक फ्लावर का नाम होता है नेस्टर्टियम. तो उसके बेड पर आकर वो फिसल के गिर गया. व्हेन ही फाउंड देयर वाज नो एस्केप ही गेव अ ब्राइट डिसआर्मिंग स्माइल एंड सेड गुड मॉर्निंग मिस. अब उसे लग गया ही कुडंट रन अवे फ्रॉम देयर. फंस गया था उनके गार्डन में, गिर चुका था. सो ही गेव अ वेरी ब्राइट ऐसा डिसआर्मिंग, डिसआर्मिंग माने कोई अब उसे डांट नहीं सकता, ऐसी उसने मुस्कुराहट, भोली सी मुस्कुराहट से वो बोला गुड मॉर्निंग मिस. ठीक है, he belonged to the local English medium school and wore a bright red blazer and a red and black striped tie. किसी English medium school में वो पढ़ता था. कैसे पता चला Miss Mackenzie को ये? Because he was wearing a bright red blazer and red and black striped tie. एक red and black striped tie उसने पहनी हुई थी और एक red blazer पहना हुआ था. Like most polite Indian school boys, he called every woman Miss. जैसे सारे इंडियन पोलाइट स्कूल बॉयज जो होते हैं वो बड़े पोलाइट होते हैं, तो ऐसे ही उनकी ही तरह उसने क्या किया, वो भी बहुत ही पोलाइट था एंड उसको मिस करके उसने एड्रेस किया. गुड मॉर्निंग सेड मिस मैकेंजी सिवियरली, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के. सिवियरली हियर मीन्स थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग. वुड यू माइंड मूविंग आउट ऑफ माई फ्लावर बेड, मेरी फ्लावर बेड से हटोगे तुम? Because he had fallen there in the nasturtium bed. तो उन्होंने बोला हटोगे यहाँ से. The boy stepped gingerly over the nasturtiums and looked up at Miss Mackenzie with dimpled cheeks and appealing eyes. Now he had dimpled cheeks. उसके cheeks पे dimple पड़ा करते थे और eyes बहुत appealing थी. He was a boy, young boy. है ना, school going boy. So वो nasturtium bed से बड़ी उससे हटा वहां से और बड़ा मुस्कुराते हुए देख रहा था उनको. It was impossible to be angry with him. He was so, his eyes were so appealing. He was looking so innocent that it was impossible for Miss Mackenzie to be angry with him. नाराज हो ही नहीं पाई वो उससे. You are trespassing, said Miss Mackenzie. Trespassing क्या होता है? Without permission किसी की personal property पे चले जाना. That is known as trespassing. So Miss Mackenzie ने बोला तुम trespass कर रहे हो यहाँ पे. Yes, Miss. And you ought to be in school at this hour. और तुम्हें तो इस समय school में होना चाहिए था. Yes, Miss. Then what are you doing here? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Picking flowers, Miss. He was so innocent. He was so clear. He said, मैं फूल तोड़ने आया हूँ यहाँ पे. एंड ही हेल्ड अप अ बंच ऑफ फर्न्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स. और उसके हाथ में कुछ फर्न थे. फर्न एक जंगली पौधा सा होता है, फ्लावर्स नहीं होते इसमें. तुमने देखा होगा फर्न बुकेज में भी अक्सर लगाया जाता है. सो उसने फर्न पकड़ा हुआ था और कुछ वाइल्ड फ्लावर्स थे उसके हाथ में. ओ मिस मैकेंजी वॉज डिसआर्म्ड. अब ये देखा तो शी कुडंट से अ थिंग. डिसआर्म्ड मीन्स नाउ शी कुडंट रिब्यूक. वो डांट नहीं सकी अब. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस शी हैड सीन अ बॉय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन फ्लावर्स एंड वॉट वॉज मोर प्लेइंग ट्रूएंट फ्रॉम स्कूल इन ऑर्डर टू गैदर देम. बहुत लंबा समय हो गया था कि उन्होंने किसी बच्चे को फ्लावर्स में इंटरेस्ट लेते हुए देखा था. एंड मोर सो उससे भी ज्यादा क्या, ही हैड बंक द स्कूल टू गैदर द फ्लावर्स. है ना, स्कूल से भाग के आया था वो फूल तोड़ने के लिए. डू यू लाइक फ्लावर्स, शी आस्क्ड. तुम्हें अच्छे लगते हैं? यस मिस, आई एम गोइंग टू बी अ बॉटनिस्ट. बोटैन बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ इसलिए. हाँ, मैं आगे जाके बॉटनिस्ट बनना चाहता हूँ. यू मीन अ बॉटनिस्ट? यस मिस. अच्छा, वेल दैट्स अनयूजुअल. अनयूजुअल बिकॉज दीज डेज नो वन, वी हियर नो वन सेइंग दैट ही वांट्स टू बी अ बॉटनिस्ट. आजकल कहाँ सुनते हैं हम ऐसा, है ना. मोस्ट बॉयज एट योर एज वांट टू बी पायलट्स और सोल्जर्स और परहैप्स इंजीनियर्स. तुम्हारी एज के ज्यादातर बच्चे तो दे वांट टू बिकम इधर पायलट्स और सोल्जर्स और इंजीनियर्स. बट यू वांट टू बी अ बॉटनिस्ट. वेल वेल, देयर इज स्टिल होप फॉर द वर्ल्ड. मतलब अभी भी दुनिया में कुछ होप बाकी है प्लांट्स और फ्लावर्स के लिए. अभी कुछ लाइफ बाकी है. एंड यू नो द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स? और तुम्हें इन फ्लावर्स के नाम मालूम है? दिस इज अ बुखीलो फ्लावर, ही सेड. उसने बोला दिस फ्लावर इज नोन एज बुखीलो. ये लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे बुखीलो, है ना, तभी ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है. शोइंग हर अ स्मॉल गोल्डन फ्लावर. गोल्डन फ्लावर दिखाया उसने. दैट्स अ पहाड़ी नेम. इट मीन्स पूजा और प्रेयर.
अब उसने बोला ये एक पहाड़ी नाम है, बुकीलो का मतलब होता है पूजा और प्रेयर, द फ्लावर इज ऑफर्ड ड्यूरिंग प्रेयर्स बट आई डोंट नो व्हाट दिस इज। उसने बोला ये पूजा में चढ़ाया जाता है, वो इसको दूसरे को देखते हुए बोला बट आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड। ही हेल्ड आउट अ पेल पिंक फ्लावर, किसको दिखाया उसने, एक पेल हल्का गुलाबी रंग का फ्लावर था उसे दिखाया, विद अ सॉफ्ट हार्ट शेप्ड लीफ, दैट फ्लावर हैड अ सॉफ्ट हार्ट शेप की लीफ थी उसकी, इट्स अ वाइल्ड बिगोनिया। उसने बोला दिस इज, दिस किसने बोला ये, मिस मैकेंजी ने बोला दिस इज वाइल्ड बिगोनिया फ्लावर एंड दैट पर्पल स्टफ इज साल्विया, और जो ये पर्पल फ्लावर है तुम्हारे पास इस इज दिस इज कॉल्ड साल्विया बट इट इजेंट वाइल्ड, ये लेकिन वाइल्ड नहीं है, इट्स अ प्लांट दैट एस्केप फ्रॉम माई गार्डन, ये प्लांट का कोई पॉलन जो है बाहर गिर गया होगा, मेरे गार्डन से लगा है ये। डू यू डोंट यू हैव एनी बुक्स ऑन फ्लावर्स, तुम्हारे पास फ्लावर्स की बुक है, नो मिस, ऑल राइट कम इन एंड आई विल शो यू अ बुक। नाउ शी इन्वाइटेड हिम टू हर हाउस टू शो हिम अ बुक विच वॉज ऑन प्लांट्स एंड फ्लावर्स, शी लेट द बॉय इन टू अ स्मॉल फ्रंट रूम विच वॉज क्राउडेड विद फर्नीचर एंड बुक्स एंड वाजेज एंड जैम जार्स एंड ऑफर्ड हिम अ चेयर। नाउ शी टुक हिम टू अ रूम, फ्रंट रूम, there was so much of furniture over there, so many books there, so many vases, flower ke vase the wahan pe, jam ke jars the, and she offered him a chair to sit upon. He sat awkwardly on its edge, bilkul kinare pe baitha bali awkwardly. The black cat immediately leapt onto his knees and settled down on them, purring loudly. जैसे cat अब जब कभी बैठ जाती है comfortably तो purr करती है, उसकी आवाज को purring कहते हैं, ठीक है? This is the sound that the cat produces. तो वहां पर आकर उसके घुटनों पे आकर तुरंत वो ब्लैक कैट जो है बैठ गई। व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड मिस मैकेंजी एज शी रमेज थ्रू हर बुक्स। नाउ शी वाज सर्चिंग थ्रू द बुक्स, ढूंढ रही थी वो उस बुक को, तब उस बीच में पूछा व्हाट्स योर नेम, अनिल मिस, एंड वेयर डू यू लिव, व्हेन स्कूल क्लोजेस आई गो टू दिल्ली, यानी कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, इट्स इन दिल्ली, माई फादर हैज अ बिजनेस, मेरे फादर का एक बिजनेस, एंड ओ एंड व्हाट्स दैट एंड व्हाट्स हिज बिजनेस, बल्ब्स मिस, तो उसने बोला बल्ब्स का बिजनेस है, फ्लावर बल्ब्स, आपको पता होगा कुछ फ्लावर्स जैसे डालियाज वगैरह इनके बल्ब्स लगाए जाते हैं, इनमें नीचे गांठे सी होती हैं, उन गांठों को लगाया जाता है, दो वो जो गांठे होती हैं दे आर कॉल्ड बल्ब्स। तो उसने बोला फ्लावर बल्ब्स का बिजनेस है तुम्हारा फादर का, तो उसने बोला नो, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यू माइट सेंड मी अ फ्यू व्हेन यू गेट होम, ठीक है, ओके, व्हेन यू गेट बैक होम सेंड मी सम फ्यू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, माइन आर ऑलवेज फ्यूजिंग, अक्सर फ्यूज हो जाते हैं, एंड दे आर सो एक्सपेंसिव लाइक एवरीथिंग एल्स दीज डेज, आजकल सारी चीजें महंगी है, सो दैट बल्ब्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। आ हियर वी आर, शी पुल्ड अ हैवी वॉल्यूम डाउन फ्रॉम द शेल्फ एंड लेड इट ऑन द टेबल, एज शी वाज सेइंग दिस शी फाउंड दैट बुक व्हिच शी वाज सर्चिंग फॉर, सो शी हेल्ड अ वेरी हैवी वॉल्यूम, बहुत मोटी सी बुक थी, शेल्फ से निकाली एंड लेड इट ऑन द टेबल, द बुक वॉज कॉल्ड फ्लोरा हिमालियंसिस, ठीक है, the book was that and it was published in 1892 and probably the only copy in India, ek hi copy hai ye India mein, it was published in way back in 1892 she said, and this was the only copy that was available in India, this is a very valuable book Anil, उन्होंने बोला बहुत वैल्यूएबल बुक है, नो अदर नेचुरलिस्ट हैज रिकॉर्डेड सो मेनी वाइल्ड हिमालयन फ्लावर्स, एंड लेट मी टेल यू दिस, देयर आर मेनी फ्लावर्स एंड प्लांट्स व्हिच आर स्टिल अननोन टू द फैंसी बॉटनिस्ट हु स्पेंड ऑल देयर टाइम विद माइक्रोस्कोप्स इंस्टेड ऑफ इन द माउंटेन्स। उन्होंने बोला इसमें जितनी फ्लावर्स और प्लांट्स इसमें मेंशनड हैं, इसमें रिकॉर्डेड हैं, उतने तो कहीं किसी किसी भी और बुक में नहीं है। और एक और बात और बता दूं, बोलती हैं कि जितने फ्लावर्स और प्लांट्स अभी और डिस्कवर करने बाकी हैं, अभी और नेम करने बाकी हैं, क्योंकि बॉटनिस्ट आजकल क्या करते हैं, कह रही हैं कि माइक्रोस्कोप्स में ही बैठे रहते हैं अपने, यानी कि अपनी लैब्स में ही रहते हैं, दे डोंट गो आउट इन नेचर, ठीक है, माउंटेन्स में नहीं आते वो देखने के लिए, बट परहैप्स यू विल डू समथिंग अबाउट दैट वन डे, लेकिन बिकॉज यू वांट टू बिकम अ बॉटनिस्ट लेटर ऑन, सो मे बी आई होप यू विल डू समथिंग अबाउट ऑल दोज अनडिस्कवर्ड फ्लावर्स एंड प्लांट्स विच आर इन हिमालयन रीजन। यस मिस, उसने बोला हाँ मैं करूंगा, ठीक है। दे वेंट थ्रू द बुक टूगेदर एंड मिस मैकेंजी पॉइंटेड आउट मेनी फ्लावर्स दैट ग्रू इन एंड अराउंड द हिल स्टेशन। मिस मैकेंजी ने उस हिल स्टेशन में आसपास जितने सारे फ्लावर्स और प्लांट्स होते थे उनके बारे में उसे बताया बुक को देखते देखते। वाइल द बॉय मेड नोट्स ऑफ देयर नेम्स एंड सीजन्स, और लड़के ने क्या किया, उनके नोट्स बनाने लगा, वो उनके नाम नोट करने लगा, किस सीजन में होते हैं वो भी देखने लगा, ठीक है। शी लिट अ स्टोव एंड पुट द केटल ऑन फॉर टी। उन्होंने क्या किया मिस मैकेंजी ने, तब तक शी पुट ऑन अ केटल टू मेक टी फॉर द बॉय, एंड देन द ओल्ड इंग्लिश लेडी एंड द स्मॉल इंडियन बॉय सैट साइड बाई साइड ओवर कप्स ऑफ हॉट स्वीट टी एब्जॉर्ब्ड इन अ बुक ऑन वाइल्ड फ्लावर्स, एंड देन व्हेन शी हैड प्रिपेयर्ड द टी बोथ ऑफ देम हैड वन कप ऑफ हॉट स्वीट टी एंड दे वर लुकिंग एट द बुक विच हैड सो मेनी सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट
वाइल्ड फ्लावर्स एंड प्लांट्स। मे आई कम अगेन, आस्ट अनिल व्हेन फाइनली ही रोज टू गो। जब जाने लगा तो बोला, मे आई कम अगेन टू योर प्लेस, मैं दोबारा आ सकता हूँ? इफ यू लाइक, सेड मिस मैकेंजी, अगर तुम चाहते हो तो आ जाना, बट नॉट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, लेकिन स्कूल टाइम पे मत आना। यू मस्टन्ट मिस योर क्लास, मस्टन्ट मिस योर क्लासेस, यू मस्ट नॉट मिस योर क्लासेस, यू शुड अटेंड योर स्कूल, ठीक है? आफ्टर दैट अनिल विजिटेड मिस मैकेंजी अबाउट वंस अ वीक। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज विजिट वॉज वंस अ वीक, ही ऑलवेज यूज टू कम टू हर एटलीस्ट वंस अ वीक, एंड नियरली ऑलवेज ब्रॉट अ वाइल्ड फ्लावर फॉर हर टू आइडेंटिफाई, और लगभग रोज एक नया वाइल्ड फ्लावर ले आता पहचानने के लिए कि बताओ इसका नाम क्या है। शी फाउंड हर सेल्फ लुकिंग फॉरवर्ड टू द बॉयज विजिट। नाउ शी वॉज ऑल अलोन लिविंग देयर, तो हमेशा उस लड़के की विजिट का उन्हें इंतजार रहने लगा। एंड समटाइम्स व्हेन मोर देन अ वीक पास एंड ही डिडंट कम, शी वॉज डिसअपॉइंटेड एंड लोनली एंड वुड ग्रम्बल एट द ब्लैक कैट। बेचारी वेट करती रहती, कभी कभी एक हफ्ते से ज्यादा अगर हो जाता तो शी यूज टू फील वेरी डिसअपॉइंटेड, उन्हें बुरा लगता, अकेला सा फील होता, और फिर वो अपनी थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन उस अपनी ब्लैक कैट पर निकालती थी। अनिल रिमाइंडेड हर ऑफ हर ब्रदर, अनिल को देख के उन्हें अपने भाई की याद आती थी। व्हेन द लैटर हैड बीन अ बॉय, जब उनका भाई छोटा था, देर वॉज नो फिजिकल रिजेम्बलेंस। कैसे हो सकती थी रिजेम्बलेंस, माने एक जैसे तो दिखते ही नहीं थे, मतलब दिख ही नहीं सकते थे अनिल और उनके भाई। अनिल जो मिस मैकेंजी का भाई था वो तो ऑफकोर्स इंग्लैंड का था, इंग्लिश था, तो उसकी तो लुक बिल्कुल अलग होंगी। एंड्रयू हैड बीन, नाउ द नेम ऑफ हर ब्रदर हैज बीन मेंशन्ड हियर, एंड्रयू। एंड्रयू हैड बीन फेयर हेड एंड ब्लू आइड, उसके बाल गोल्डन थे है ना, और आंखें नीली थी। बट इट वॉज अनिल्स ईगरनेस, हिज अलर्ट ब्राइट लुक एंड द वे ही स्टूड लेग्स अपार्ट हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अ पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस दैट रिमाइंडेड हर ऑफ द बॉय हु हैड शेयर्ड हर ओन यूथ इन दी स्मॉल हिल्स। लेकिन उसका जो खड़े होने का तरीका, उसका जो नेचर था, जो ईगरनेस उसमें थी, द अलर्ट दैट ही शोड, द ब्राइट लुक इन हिज आईज, द वे ही स्टूड टांगों को थोड़ा सा दूर करके, अपने हाथों को कमर पे लगा के, कॉन्फिडेंस का लुक आता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी दैट ही वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉय। तो दिस ऑल रिमाइंडेड मिस मैकेंजी ऑफ हर ब्रदर व्हेन ही वाज यंग, ही वाज ऑलमोस्ट ऑफ अनिल्स नेचर, ऐसा ही नेचर था अनिल के जैसा ही। एंड व्हाई डिड अनिल कम टू सी हर सो ऑफन, और अनिल क्यों आता था? चलो मिस मैकेंजी का तो इंटरेस्ट था ये कि उसको अपने भाई की याद आती थी, अनिल का क्या इंटरेस्ट था वहां आने में? पार्टली बिकॉज शी न्यू अबाउट वाइल्ड फ्लावर्स एंड ही रियली डिड वॉन्ट टू बिकम अ बॉटनिस्ट। एक बात तो ये बिल्कुल सच थी कि उन्हें वाइल्ड फ्लावर्स के बारे में बहुत नॉलेज थी, इसलिए अनिल को अच्छा लगता था। दूसरा, वो बॉटनिस्ट बनना चाहता था तो काफी सारी जानकारी उसे मिस मैकेंजी से मिल जाती थी। एंड पार्टली बिकॉज शी स्मेल्ट ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एंड दैट वॉज अ स्मेल हिज ओन ग्रैंड मदर हैड पोजेस्ड, एंड पार्टली एंड अ रीजन ऑफ हिज कमिंग ओवर देयर वॉज दैट मिस मैकेंजी ऑलवेज स्मेल्ट ऑफ, ऐसे खुशबू आती थी उनसे जैसे फ्रेशली बेक्ड ब्रेड हो, एंड दिस स्मेल रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन ग्रैंड मदर, उसे अपनी दादी की याद आती थी मिस मैकेंजी को देख करके। एंड पार्टली बिकॉज शी वॉज लोनली एंड समटाइम्स अ बॉय ऑफ 12 कैन सेंस लोनलीनेस बेटर दैन एन अडल्ट, ये बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, और इसलिए भी शायद बिकॉज शी वॉज अलोन, शी वॉज लोनली, शी यूज टू लिव देयर अलोन ऑल बाई हर सेल्फ, तो इसकी वजह से। और 12 साल के एक बच्चे को एडल्ट से ज्यादा समझ में आता है कि लोनलीनेस क्या होती है, वो उसको सेंस कर पाता था, इसलिए वो मिस मैकेंजी की लोनलीनेस को फिलअप करने के लिए भी आता था। एंड पार्टली बिकॉज ही वॉज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल डेफिनेटली, बाकी सारे बच्चे तो बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, बट ही यूज टू लाइक मिस मैकेंजी। बहुत सारे रीजन थे, वाइल्ड फ्लावर्स की नॉलेज थी उसे मिस मैकेंजी को, बॉटनिस्ट बनना चाहता था तो उसलिए इंटरेस्ट था, अपनी दादी की याद आती थी उसे देख करके तो इसलिए भी, एंड पार्टली एंड देर वॉज अ सेंस इन अनिल, ही रियलाइज दैट शी वॉज अ वेरी लोनली ओल्ड वुमन एंड ही शुड गिव हर सम कंपनी, तो इसलिए वो आता था। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज नेचर, ठीक है? बाय द मिडल ऑफ अक्टूबर व्हेन देयर वॉज ओनली अ फॉर्टनाइट लेफ्ट फॉर द स्कूल टू क्लोज, द फर्स्ट स्नो हैड फॉलन ऑन द डिस्टेंट माउंटेन्स। अक्टूबर का मिडल था, अब स्कूल बंद होने में एक फॉर्टनाइट रह गया था, फॉर्टनाइट मीन्स टाइम स्पैन ऑफ 15 डेज, उसको फॉर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है? तो 15 दिन लगभग स्कूल बंद होने के लिए रह गए थे, और पहली बर्फ जो है दूर माउंटेन्स में गिर चुकी थी। वन पीक स्टूड हाई अबव द रेस्ट, अ वाइट पिनकल अगेंस्ट द एज्योर ब्लू स्काई। एक पीक जो है, एक चोटी जो है पर्वत की, दूर से दिखाई देती थी, बिल्कुल व्हाइट चमकती हुई दिखती थी, बिल्कुल दूर नीले आसमान में व्हाइट उसकी जो चोटी है बहुत ही दूर से चमकती थी। When the sun set, this peak turned from orange to gold to pink to red. See, so many colors have been used. जब सूरज डूबने वाला होता था, तो पहले वो ऑरेंज होते थे, टर्न होते थे वो पीक,
फिर गोल्ड दिखती थी, फिर पिंक दिखती थी, और फिर लास्ट में लाल हो जाती थी, एंड फिर तो सूरज डूब ही जाता है ना। हाउ हाई इज दैट माउंटेन, आस्क्ड अनिल। अनिल ने पूछा ये माउंटेन कितना हाई होगा। इट मस्ट बी ओवर 12,000 फीट, सेड मिस मैकेंजी, अबाउट 30 माइल्स फ्रॉम हियर एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज मीन्स क्या हुआ, एरियल डिस्टेंस, ठीक है, हवा में इसका डिस्टेंस कितना है, अबाउट 30 माइल्स। ऑफ कोर्स 30 माइल्स तो हो नहीं सकता वैसे भी ना, इतना नजदीक तो हो नहीं सकता कोई भी, इतना हिमालयन कोई भी चोटी, कोई भी पर्वत, ठीक है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो देयर, बट देयर वॉज नो प्रॉपर रोड। मिस मैकेंजी बोली मैं जाना चाहती थी यहाँ पे, लेकिन कोई सड़क नहीं है। एट दैट हाइट देयर बी फ्लावर्स दैट यू डोंट गेट हियर। उस हाइट पे ऐसे फ्लावर्स होंगे जो यहाँ नहीं होंगे, द ब्लू जेंशियन एंड द पर्पल कोलम्बाइन, द एनिमोन एंड द ईडलवीज। उन्होंने बोला वहां पे तो ब्लू जेंशियन लगते होंगे, ये सब फ्लावर्स के नाम हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ब्लू जेंशियन लिखा है एक, देखो पर्पल कोलम्बाइन लिखा है, वहां होता होगा द एनिमोन होता होगा वहां पे, एंड ईडलवीस होता होगा। इतने सारे फ्लावर्स वहां पे होंगे जो कि यहाँ हो ही नहीं सकते, वो हायर क्लाइमेट में ही होते हैं, और कूल कूल क्लाइमेट में होते हैं, ठीक है, हायर ऑल्टीट्यूड में। आई विल गो देयर वन डे, सेड अनिल। अनिल ने बोला आई विल डेफिनेटली गो देयर वन डे, आई एम श्योर यू विल इफ यू रियली वॉन्ट टू। अगर जाना चाहते हो तो आई आई रियली होप दैट यू विल गो देयर। The day before his school closed, Anil came to say goodbye to Miss Mackenzie. School बंद होने से एक दिन पहले Anil came to her house to say goodbye to her. I don't suppose you'll be able to find many wild flowers in Delhi. वहां तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, but have a good holiday. लेकिन enjoy, you should enjoy your holiday. Thank you, Miss. He thanked her. As he was about to leave, Miss Mackenzie on an impulse means अचानक से. She had not thought about that, but अचानक से उन्होंने thrust the Flora Himalayensis into his hands. क्या किया? वो बुक जो है उसके हाथ में दे दी अचानक से। You keep it, she said. It's a present for you. I am presenting, I am giving you a gift of this book. But I'll be back next year and I'll be able to look at it then. It's so valuable. उसने बोला मैं आ जाऊंगा अगले साल फिर से, and then we'll together we'll sit and we'll watch this, we'll see this book. इतनी महंगी बुक है, इतनी वैल्यूबल बुक है, यू शुडंट गिव इट टू मी लाइक दैट, ही सेड, अनिल सेड। आई नो इट्स वैल्यूबल एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट टू यू। मुझे मालूम है वैल्यूबल है और इसीलिए मैंने तुम्हें दी है, अदरवाइज इट विल ओनली फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द जंक डीलर्स। नहीं तो क्या होगा, कबाड़ी लेके चला जाएगा। जंक डीलर्स मीन्स कबाड़ी, ठीक है। बट मिस, और वो जैसे ही उसने बोला बट मिस डोंट आर्ग्यू, बिसाइड्स आई मे नॉट बी हियर नेक्स्ट ईयर। उसने बोला बहस मत करो मुझसे, आई मे नॉट बी हियर, यू मे नॉट फाइंड मी हियर व्हेन यू कम बैक नेक्स्ट ईयर। आर यू गोइंग अवे? उसने पूछा जा रहे हो? आई एम नॉट श्योर, आई मे गो टू इंग्लैंड। उसने बोला पता नहीं, बट आई मे गो टू इंग्लैंड। शी हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड, जबकि उनका कोई इरादा नहीं था। इंटेंशन मीन्स इरादा। शी हैड नो विश टू गो टू इंग्लैंड, शी हैड नॉट सीन द कंट्री सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। लिखा ही है उन्होंने, टीन्स में थी तब से वो यही है। एंड शी न्यू शी वुड नॉट फिट इन विद द लाइफ ऑफ पोस्ट वॉर ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो जैसा आज है सिचुएशन, उसमें तो वो वहां पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। शी इज नॉट इन अ हैबिट ऑफ लिविंग इन दैट फास्ट एडवांस कंट्री नाउ, ठीक है। हर होम वॉज इन दीज हिल्स अमंग द ओक्स एंड मेपल्स इन देवदार। उसका उनका घर वहीं था, ओक मेपल और देवदार के बीच में। इट वॉज लोनली बट एट हर एज इट वुड बी लोनली एनी वेयर। जिस एज में वो है लोनली तो वो यहां भी है, लेकिन वो चाहे जहां भी चली जाए शी विल बी लोनली, शी न्यू दैट, ठीक है। द बॉय टक द बुक अंडर हिज आर्म। उसने अपनी बुक को, जो वो बुक उन्होंने दी थी गिफ्ट, उसको बाहों के बगल में दबाया। स्ट्रेटेंड हिज टाई, अपनी टाई सीधी करी। स्टूड स्टिफली टू अटेंशन एंड सेट गुड बाय मिस मैकेंजी। सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ अटेंशन में, स्टिफली मीन्स अटेंशन में खड़ा हुआ, और फिर गुड बाय किया मिस मैकेंजी को। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड स्पोकन हर नेम, पहली बार उसने उनका नाम लिया था। विंटर सेट इन अर्ली एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्रॉट रेन एंड स्लीट एंड सून देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन और ऑन द हिल साइड। नाउ द विंटर्स हैड स्टार्टेड ऑलरेडी, रेन बारिश पड़ी, स्लीट पड़ी, स्लीट मानी होती है बजरी, जो बर्फ गिरने से पहले जो बजरी सी गिरती है, छोटी कण जैसे गिरते हैं, ओले के छोटे वाला फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्लीट, ठीक है। एंड सून देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन और ऑन द हिल साइड। ना तो हिल्स में कोई फ्लावर्स बचे, ना गार्डन में कोई फ्लावर्स बचे। विंटर्स में वैसे भी सारे फ्लावर्स मर जाते हैं। द कैट स्टेड इनडोर्स, बिल्ली भी अंदर रहने लगी। कर्ल्ड अप एट द फुट ऑफ मिस मैकेंजीज बेड, मिस मैकेंजी के बेड के तले पे ही वो बैठी रहती हर समय। मिस मैकेंजी रैप्ड हरसेल्फ अप इन ऑल हर ओल्ड शॉल्स एंड मफलर्स, बट स्टिल शी फेल्ट द कोल्ड। शी हैड यूज्ड ऑल द विंटर क्लोथ्स दैट शी हैड, बट स्टिल शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। हर फिंगर्स ग्रू सो स्टिफ दैट शी टुक ऑलमोस्ट एन आवर टू ओपन अ कैन ऑफ बेक्ड बीन्स। नाउ फॉर डिनर और फॉर ब्रेकफास्ट और लंच, वेन एवर शी यूज्ड टू हैव बेक्ड बीन्स, लाया करती थी वो अपने लिए मार्केट से टिंड, उसका टिन होता है, कैन होता है, उसको खोलने के लिए उन्हें बहुत ही टाइम लग जाता था, बिकॉज हर फिंगर्स हैड ग्रोन स्टिफ
ठंड से उनकी उंगलियां अकड़ गई थी, एंड देन इट स्नोड फॉर सेवरल डेज द मिल्क मैन डिड नॉट कम, और उसके बाद फिर बर्फ पड़ गई एंड द मिल्क मैन ऑल्सो कुडंट कम फॉर मेनी डेज. द पोस्टमैन अराइव्ड विद हर पेंशन पेपर्स बट शी फेल टू टायर्ड टू टेक देम अप टू टाउन टू द बैंक. पोस्टमैन आया पेंशन पेपर्स के साथ, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि शी डिडंट हैव द एनर्जी टू गो टू टाउन, उसको कैश कराने के लिए उनकी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की. ठीक है, शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन बेड, बिस्तर पे ही लेटी रहती. इट वॉज द वार्मेस्ट प्लेस, वही सबसे गर्म उन्हें जगह लगती. शी केप्ट अ हॉट वाटर बॉटल एट हर बैक, अपनी पीठ पर हॉट वाटर बॉटल बना के रखती थी. एंड द कैट केप्ट हर फीट वार्म, और बिल्ली क्योंकि बैठी रहती थी उनके पाँव पे, तो उसकी वजह से उनका फीट जो है, पाँव जो है उनके, वो गर्म हो जाते थे. शी ले इन बेड ड्रीमिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड समर मंथ्स. Now, what was she dreaming of? She was dreaming of the spring and the summer season. गर्मियों की याद करती कि जब गर्मी आएंगी तो थोड़ा ठीक होगा. In 3 months' time, the primroses would be out. Primrose is a name of a flower. ठीक है, प्रिमरोज आ जाएंगे, उग जाएंगे. एंड विद द कमिंग ऑफ स्प्रिंग द बॉय वुड रिटर्न. शी ऑल्सो हैड होप दैट द बॉय वुड ऑल्सो कम बैक व्हेन देयर वाज स्प्रिंग सीजन. वन नाइट द हॉट वाटर बॉटल बर्स्ट एंड द बेडिंग वॉज सोक थ्रू. एक रात वो जो हॉट वाटर बॉटल है वो फट गई, बर्स्ट माने फट गई, एंड बेडिंग वॉज वेट, पूरी भीग गई बेडिंग, बिस्तर उनका. एज देयर वॉज नो सन फॉर सेवरल डेज द ब्लैंकेट रिमेन डैम्प, जो उनका कंबल है वो गीला ही रह गया क्योंकि धूप आई नहीं बहुत दिनों तक. मिस मैकेंजी कॉट अ चिल, उन्हें सर्दी लग गई, एंड टू कीप हर कोल्ड एंड हैड टू कीप टू हर कोल्ड अनकंफर्टेबल बेड, और उन्हें उसी ठंडे अनकंफर्टेबल बेड में ही रहना पड़ा. शी न्यू शी हैड अ फीवर, उन्हें पता था उन्हें बुखार आ चुका है, बट देर वॉज नो थर्मोमीटर विद विच टू टेक हर टेम्परेचर. लेकिन शी डिडंट हैव अ थर्मोमीटर टू टेक हर टेम्परेचर. शी हैड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शी ऑल्सो फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीद बिकॉज शी हैड फीवर. अ स्ट्रॉन्ग विंड स्प्रैंग अप वन नाइट, एक बहुत तेज हवा एक रात चली, एंड द विंडो फ्ल्यू ओपन एंड केप्ट बैंगिंग ऑल नाइट, और एक खिड़की उनकी खुल गई और पूरी रात भर हवा से वो आवाज करती रही, खिड़की बंद होती रही खुलती रही, तो बहुत आवाज आती रही, शोर आता रहा. मिस मैकेंजी वॉज टू वीक टू गेट अप एंड क्लोज इट, शी वॉज फीलिंग सो वीक दैट शी कुडंट गेट अप टू क्लोज द विंडो, एंड द विंड स्वेप्ट द रेन एंड स्लीट इन टू द रूम, और बारिश और वो बजरी जो है वो कमरे के अंदर ऐसे आने लगी. बजरी इज नॉट दैट बजरी, बजरी इज द थिन पार्टिकल ऑफ आइस, ठीक है, दे आर कॉल्ड स्लीट. सो वो खिड़की से अंदर आने लगी. द कैट क्रेप्ट इन टू द बेड एंड स्नगल क्लोज टू इस मिस्ट्रेस वार्म बॉडी. कैट, बिल्ली भी और नजदीक आके लेट गई और मिस्ट्रेस की शरीर से चिपक के सो गई. बट टूवर्ड्स मॉर्निंग दैट बॉडी हैड लॉस्ट इट्स वार्म्थ एंड द कैट लेफ्ट द बेड एंड स्टार्टेड स्क्रैचिंग अबाउट ऑन द फ्लोर. लेकिन जैसे जैसे सुबह होती रही वो बॉडी की वार्म्थ खत्म हो गई, गर्मी खत्म हो गई इस बॉडी की, और बिल्ली भी जो है वो बेड से उठ करके नीचे फ्लोर को स्क्रैच करने लगी, खुरचने लगी. ठीक है, बॉडी की वार्म्थ खो गई, मतलब समथिंग माइट हैव हैपेंड टू द ओल्ड लेडी. एज अ शाफ्ट ऑफ सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन, जैसे ही रोशनी उजाला कहीं से आया, एक खिड़की से जो खिड़की खुली रह गई थी उनकी, वहां से जैसे ही उजाला अंदर पड़ा, द मिल्क मैन अराइव्ड, दूध वाला आ गया. ही पोर्ड सम मिल्क इन टू द कैट सॉसर ऑन द डोर स्टेप, दरवाजे पे बिल्ली का बर्तन रखा रहता था, एक प्लेट रखी रहती थी, उस पे उसने वो दूध डाला थोड़ा सा. एंड द कैट लेप्ड डाउन फ्रॉम द विंडो सिल एंड मेड फॉर द मिल्क, और वो दूध पीने के लिए गई कैट वहां. द मिल्क मैन कॉल्ड अ ग्रीटिंग टू मिस मैकेंजी, मिल्क मैन ने गुड मॉर्निंग कुछ बोला होगा, बट रिसीव नो आंसर, बट ही डिडंट रिसीव एनी आंसर. हर विंडो वॉज ओपन एंड ही हैड ऑलवेज नोन हर टू बी अप बिफोर सनराइज, खिड़की तो खुली हुई थी, एंड ही हैड ऑलवेज सीन दैट मिस मैकेंजी यूज टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाया करती थी. सो ही पुट हिज हेड इन एट द विंडो एंड कॉल्ड अगेन, तो इसने खिड़की से अंदर दोबारा अपना सिर डाला और फिर दोबारा आवाज लगाई, बट मिस मैकेंजी डिड नॉट आंसर, लेकिन मिस मैकेंजी ने कोई जवाब नहीं दिया. शी हैड गॉन अवे टू द माउंटेन वेयर द ब्लू जेंशियन एंड पर्पल कोलम्बाइन grew. Probably she had gone away to the mountain. She always wished to go to that mountain. She said she had told the boy that Anil, है ना? उन्होंने बताया था उस माउंटेन में जाने की उनकी बड़ी इच्छा थी. तो probably she had gone to that mountain where blue gentian and the purple columbine grew. That means she had died. So this was the whole story. I hope आपको स्टोरी समझ आई होगी. और जैसा मैं पहले भी कहती हूँ, once you understand the story, you'll be able to do all the exercises or all the questions that come in your exam from this story. So here's wishing you again for a very bright future and a very bright career. Goodbye and good luck to all of you. Take care.